सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम पिछले 3 दिनों से पाठ 9 होनहार बालक पढ़ रहे थे। आज हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, तो आइए पाठ का सारांश सुनते हैं। चाणक्य को राजा धनानंद ने अपमानित करके अपने राज दरबार से निकाल दिया था। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह धनानंद को राज सिंहासन से उतार नहीं देगा, अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। रास्ते में चलते हुए उसे खेल खेल में सम्राट बने बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता और आश्चर्यजनक सूझबूझ दिखाई पड़ी। चाणक्य ने उस बालक की माता को उसे उचित शिक्षा दिलाने के लिए नंद के पास जाने की सलाह दी। सलाह मानकर वह स्त्री बालक को लेकर नंद के दरबार में पहुंची। वहां मोम से बने परंतु वास्तविक लग रहे शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने पर विचार हो रहा था। बालक ने तनिक भी देर ना लगाते हुए राजा की अनुमति से मोम के सिंह को पिघलाकर पिंजला काली कर दिया। बालक की चतुराई से प्रसन्न होकर राजा ने उसकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया। यही बालक बड़ा होकर चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: नंबर 1 चाणक्य, नंबर 2 धनानंद, नंबर 3 आश्चर्यजनक, नंबर 4 अद्भुत, नंबर 5 विराजमान, नंबर 6 प्रतिज्ञा, नंबर 7 सम्राट, नंबर 8 निर्भीकता, नंबर 9 मुग्ध। बच्चों, पाठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: नंबर 1 अपमानित करना यानी निरादर करना, नंबर 2 डग यानी कदम, नंबर 3 विराजमान अर्थात बैठा हुआ, नंबर 4 अद्भुत, इसका मतलब होता है अनोखा, नंबर 5 प्रतिज्ञा यानी प्रण, नंबर 6 सम्राट, इसका अर्थ है राजा, नंबर 7 मोहित यानी मुग्ध, नंबर 8 निर्भीकता अर्थात निडरता। पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं: प्रश्न 1, चाणक्य कौन थे, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर: चाणक्य एक ब्राह्मण थे, उन्होंने राजा धनानंद को उसके सिंहासन से उतारने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न 2, चाणक्य को बालक में क्या दिखाई दिया? उत्तर: चाणक्य को बालक में अनोखी वीरता, आश्चर्यजनक सूझबूझ और अद्भुत तेज दिखाई दिया। प्रश्न 3, राज्यसभा में किस समस्या पर विचार किया जा रहा था? उत्तर: राज्यसभा में पिंजरे में बंद नकली सिंह को बिना दरवाजा खोले
बाहर निकालने की समस्या पर विचार किया जा रहा था। प्रश्न 4, बालक ने सिंह को निकालने के लिए क्या किया? उत्तर, बालक ने सिंह को निकालने के लिए लोहे की छड़ों को गर्म करके मोम के सिंह को पिघला दिया। गतिविधि 1, बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, मगध के राजा कौन थे? धनानंद, जनक, चाणक्य। बताओ बच्चों इसका उत्तर। इसका उत्तर है धनानंद। नंबर 2, पिंजरा खोले बिना शेर को बाहर किसने निकाला? चाणक्य ने, राजा ने, बालक ने। बताइए बच्चों इसका उत्तर। हाँ जी, इसका उत्तर है बालक ने। नंबर 3, बालक की माँ ने राजा से क्या मांगा? राज्य, बालक की शिक्षा, धन। बताओ बच्चों इसका उत्तर। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बालक की शिक्षा। नंबर 4, होनहार वीरवान के होद चीखने बात का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, नंबर क, चतुर बालक के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। नंबर ख, चतुर बालक के पैर कितने होते हैं? नंबर ग, चतुर बालक चिकने रास्ते पर चलता है। बताइए बच्चों इस वाक्य का क्या अर्थ है? हाँ जी, इसका अर्थ है चतुर बालक के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। गतिविधि 2, बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। नंबर 1, खेल में एक बालक सम्राट बना था। उत्तर, खेल में एक बालिका सम्राट बनी थी। नंबर 2, एक ब्राह्मण नदी के किनारे रहता था। उत्तर, एक ब्राह्मणी नदी के किनारे रहती थी। नंबर 3, बालक ने सिंह को ध्यान से देखा। उत्तर, बालक ने सिंहनी को ध्यान से देखा। नंबर 4, कवि राजा का आदर करती हैं। उत्तर, कवित्रियां राजा का आदर करती हैं।